हमारे अंदर इतनी क्षमताएं हैं, वो कहते हैं ना देयर इज अ लिमिट फॉर एवरीथिंग बट देयर इज नो लिमिट फॉर ह्यूमन पोटेंशियल. हाँ दोस्त, हर चीजों का एक लिमिट है पर इंसान की क्षमताओं का कोई लिमिट नहीं है. वो जैसे मेंटल स्टेमिना रखेगा वो वैसे फिजिकल स्टेमिना में आ जाता है और ये रियलिटी में है, आपको अपने आसपास दिखता है. अनटैप्ड रिजर्वॉयर्स लेके बैठे हुए हैं हम अपने दिमाग के अंदर. आपने बराक ओबामा की अगर कभी जीवनी पढ़ी है या उसके बारे में कुछ सुना है, जो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, आपको पता हो कि वो रोज जो सूट पहनते थे वो एक ही तरीके का होता था. ऐसे पता लगा है कि भाई ज्यादा से ज्यादा दो तरीके, यानी कि डार्क ब्राउन या फिर नेवी ब्लू. अब लोग बोलते हैं कि भाई वो इंसान को ज्यादा पसंद नहीं होगा फैशन वैशन करना, पर कहने का मतलब ये है कि एक इंसान वार्डरोब में, अपने वार्डरोब में क्यों ज्यादा चॉइसेस नहीं रख रहा और हम उसको सलूट करते हैं, वाह वाह वाह. पर क्या ये इसलिए है क्योंकि ऐसा देखा गया है, स्टीव जॉब्स के साथ भी आपने अगर उनके बारे में सुना हो पढ़ा हो तो उन्होंने वो भी कितने सिंपल रहे. हफिंगटन के बारे में अगर आपने सुना हो या मार्क जुकरबर्ग के बारे में तो सुना ही होगा, वो भी बड़े सिमिलर टाइप के आउटफिट पहनते हैं डेली बेसिस पे. क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उनके दिमाग में एक उम्मीद बैठी हुई है कि भाई अगर मैं सुबह बहुत सारे ऑप्शन रखूंगा तो मुझे मुश्किल होगी सेलेक्ट करने में, और सेलेक्शन में जब मुश्किल होती है किसी को कि आज क्या पहने तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है. पर क्या सच में ओबामा और मार्क जुकरबर्ग जो सोच रहे हैं कि ड्रेसिंग करते वक्त एक अननेसेसरी डिसीजन मेकिंग की वजह से उनको रोज सुबह एक मेंटल टफनेस से गुजरना पड़ेगा, कॉन्शियसली कुछ सोचना पड़ेगा, क्या ऐसा सच में होता है? क्या जो लोग चूज करके पहनते होंगे उनके साथ कुछ और होता होगा मॉर्निंग में ही? जूते अगर उनके पास बहुत सारे हैं तो कुछ और होता होगा. कहने का मतलब है हमारा दिमाग जिस तरीके के सिग्नल खुद को देता है वो हमारी रियलिटी बन जाती है. हम अगर मानते हैं हमारे दिमाग के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उन लिमिटेड रिसोर्सेज को हम ऐसे छोटे मोटे डिसीजन मेकिंग में नहीं वेस्ट करें तो वो रियलिटी बन जाती है जैसा ये किताब कहती है. और कई आस्पेक्ट पे आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा ये बात कि हम जितना अमाउंट ऑफ हार्डवर्क करते हैं, हम जितने डिसीजन मेकिंग करते हैं, हम जितना डिफिकल्ट थिंकिंग करते हैं, कुछ लोग कहते हैं इससे हमारे रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो जाते हैं. कुछ लोग कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं होता कि रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हम जितना सोचेंगे हमारा दिमाग उतना स्ट्रांग बनेगा, हमारे दिमाग की जो कैपेसिटी है, लिमिटेशन है, हम उसको और पुश कर रहे हैं. तो जो ईगो डिप्लीशन की बात है, ईगो डिप्लीशन थ्योरी अगर आपने पढ़ी हो उसमें यही कहा जाता है कि भाई पूरे दिन अगर तुमने हार्ड वर्क किया है तो शाम को तो तुम एग्जॉस्ट हो ही जाओगे. तो क्या इसमें सच्चाई है कि पूरे दिन अगर तुमने हार्ड वर्क किया है तो शाम को तो तुम डिप्रेस्ड तो सही वर्ड नहीं है, एग्जॉस्ट हो ही जाओगे. बहुत सारे लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं ना, हमसे बात करते हैं इसलिए कह रहे हैं. तो वो अगर मरगिल्ले होकर वो इस पर पड़े हुए हैं अपने सोफे पर, तो ठीक है भाई इतनी मेहनत करके आया है तो पड़ा हुआ है सोफे पर. पर ऐसा देखा गया है कि सारे सक्सेसफुल लोग इस तरीके से नहीं करते. एक थ्योरी पढ़ रहा था एक रिलेशनशिप की किताब के अंदर कि इसमें ऐसे बोला गया कि भाई सक्सेसफुल लोग चीटिंग करते हैं अपने रिलेशनशिप्स में. हाँ, और इसके पीछे क्या रीजन दिया गया, उसमें ये बोला गया कि भाई वो सारा काम अपने करियर में अपनी विल पावर तो सारी झोंके आते हैं, फिर अगर शाम को आके उनको अपने रिश्तों में दिक्कतें होती हैं तो उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं बनती बचती कि वो अपने रिलेशनशिप पे काम कर पाए. तो बेचारा मरे क्या ना करे, वो अगर इनफिडिलिटी में है, धोखेबाजी में है तो ठीक है यार. हम ये नहीं कह रहे कि ये सच्चाई नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि ये झूठ है. कहने का ये मतलब है आप जैसा सोचोगे वैसा है, यानी कि जो हमारी उम्मीदें रखते हैं, हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं अपने दिमाग में, अच्छा ऐसा होता है तो फिर ऐसा ही होता है. जो आप सोचोगे वही आपकी रियलिटी बन जाती है. दुनिया वैसी नहीं है जैसी दुनिया है, दुनिया वैसी हमें दिखती है जैसी हम सोचते हैं कि दुनिया है. तो ये जो एविडेंसेस हैं ईगो डिप्लीशन के, जो थ्योरीज दी गई हैं उस पर एक बहुत बड़ा
हिट है बिग एक्सपेक्टेशन इफेक्ट, ये जो आपको बता रहा हूं मैं, कि मेंटल एग्जॉशन की जो बात की जाती है क्या वो सच में रियल है, क्या वो सच में होता है, क्या वो सच में एग्जिस्ट करता है? बिकॉज पढ़ाई जो कह देती है, अगर आप वहीं दूसरे तरीके से, जैसे एक स्टडी हम पढ़ रहे थे, ऑस्ट्रियन साइकोलॉजिस्ट हैं, आप पढ़िएगा इनके बारे में, वेरोनिका जॉब करके हैं, जॉब ने भैया क्या किया, उन्होंने कुछ पार्टिसिपेंट्स को बुलाया और उन्होंने दो टास्क दिए उनको करने। अब एक टास्क, जब पहला टास्क दिया गया तो उन्होंने पार्टिसिपेंट को कहा कि भाई आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा इस काम को करने के लिए। अब जैसे बोल दिया जाता है इतनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको ही काम करने के लिए, तो इंसान क्या है पहले से ही एग्जॉस्ट हो जाता है उस काम को करते वक्त, और पूरे प्रोसेस के दौरान भी वो टेंशन देखी गई, काम के बाद भी वो एग्जॉशन देखा गया। दूसरे टास्क को जब दिया गया दूसरे सर्कमस्टांसेस के अंदर, तो ऐसे बोला गया कि अरे ये तो बड़ा आसानी से हो जाएगा। कहने का मतलब ये होता है कि हम एनर्जाइज कर सकते हैं खुद को अपने माइंडसेट के साथ, वो जो उम्मीदों का रूपरेखा हम अपने दिमाग में बनाते हैं, और अगर हमने वो नेगेटिव रूपरेखा बना रखी है, नेगेटिव उम्मीदें अपने दिमाग में बिल्डअप कर रखी है, तो नेगेटिव बन के बाहर आती है। तो ये जो जॉब ने टेस्ट भी किया था, उन्होंने बाकायदा इसको बोला कि लोगों की बिलीव्स, लोगों की एक्सपेक्टेशन उनके मेंटल डिप्लीशन में एक बहुत बड़ा हाथ प्ले करती है, और ऐसे ही लोगों का जो पॉजिटिव माइंडसेट है, यानी माइंडसेट अगर स्ट्रेंथन्ड हुआ है, उसमें भी उनकी बिलीव्स कितना बड़ा हाथ प्ले करती हैं। तो कहने का मतलब ये है, पार्टिसिपेंट्स जिस तरीके से सोचेंगे वो होगा, तो आप भी जिस तरीके से सोचेंगे वो आपकी रियलिटी बन जाएगी। तो मेंटल रिसोर्सेस क्या डिप्लीट हो रहे हैं, ये सच्चाई है नहीं है, ये आप खुद ही अपने आप से पूछिए। कि आप हार्डवर्क करते हैं तो एक थ्योरी कहती है जितना हार्डवर्क करोगे आप देखना उतना एनर्जाइज हो जाओगे। तुम करो अपनी बॉडी को यूज, तुम मूव करो, तुम कम खाओ, देखना तुम में कितनी एनर्जी रहेगी। और एक लेवल पे कहते हैं अरे यार तुम इतना मूव करोगे और तुम कम खाओगे तो तुम्हारे में वैसे ही जान नहीं बचेगी। तो ये अलग अलग थ्योरीज हैं, बात ये है इसके पीछे की जो माइंडसेट है उसकी भी इम्पोर्टेंस को समझिए। थ्राइविंग से कैपेसिटी बढ़ रही है हमारी, इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए, बिकॉज जो एनर्जाइजिंग स्टेटमेंट है कि तुम जितनी मेहनत करोगे उतने एनर्जाइज हो जाओगे, ये महसूस तो कर सकते हैं, ये तो मैं खुद अपनी जिंदगी में महसूस करता हूँ। कैपेसिटी को पुश करो, आप बोलोगे आप इतना कर सकते हो तो आप इतना ही कर सकते हो।